ऊपर चलो कैसे हम बेचा है तुम बेचा है ऊपर चलो ये क्या खरगोश को लग गई हाथ में चोट काटते काटते फूल स्पाइडर जम रहा है ऊपर चलो स्पाइडर की हड्डी टूट गई ऊपर चलो ये आंटी क्या कर रही है लगता है झाड़ू मार रही थी लेकिन कमर टूट गई ऊपर चलो ये यहाँ पे कौन आ रहा है काटो वाला कीड़ा ये के साइकिल चला रहा है ऊपर चलो लेकिन इसकी साइकिल तो नीचे गिर गई एम्बुलेंस को कोई बुलाओ ऊपर चलो ये कौन आ गया आरसी मैन ऊपर चलो ये हाय हेलो कर रहा है लेकिन ये क्या ऊपर चलो इसको कोरोना हो गया क्या छींक मार रहा है ऊपर चलो लगता है सारे के सारे जानवर बीमार हो चुके अब बुलाना पड़ेगा बोलू तो डॉक्टर को यो ये लेडीज के रिस्पांस तो आज हम लोग बनेंगे तो डॉक्टर हाँ वो भी एनिमल के डॉक्टर आज हम लोग जानवरों को ठीक करेंगे तो चलो फिर ठीक करते हैं और ये सारे बेचारे मासूम जानवर जिनको कोई ना कोई जो की चोट लगी ये सारे पेशेंट है हमारे ही है ना जिन्हें जो की बेचारों को चोट लगी है बीमार हो चुके हैं तो इन सबको आज हम लोग ठीक करने वाले हाँ बिल्कुल सुपर ठीक करेंगे रे पापा तो चलो दोस्तों हम लोग सबसे पहले किसे ठीक करें देखो जी आप किसे ठीक करें समझ में नहीं आ रहा हमको जी हम लोग आगे वो बिल्कुल MBBS डॉक्टर नो फिकर नो फिकर तुम्हें क्या हुआ है यार मुझे कैंसर भी हो गई है मैं जगह जा रहा था बस ठंडी ठंडी हवा खा रहा था मम्मी ने बोला था पहन ली टोपी लेकिन मैंने नहीं पहनी टोपी अरे तो लग गई ना सर्दी इसलिए कहते मम्मी का कहना मान लेना चाहिए था पहननी चाहिए थी ना टोपी तो सर्दी नहीं लगती चलो कोई बात नहीं ये दवा पी लो दवा पी लो नाक में सूंघो दवा ताकि नाक जो कि तुम्हारा खुल जाए अच्छा लग रहा है अब जो कि मुंह के अंदर ये दवा डालो ताकि तुम जो कि एकदम मस्त फील कर सको है ना तुम एकदम ठीक हो जाओगे यहाँ पे थोड़ी दवा मुंह के अंदर पूरी ले लो मुंह के अंदर पी लो दवा हाँ दवा पी लो हम लोग डॉक्टर है बुलबुले सुपर डॉक्टर तो अब सही लग रहा है ना हाँ मस्त लग रहा है मुझे अब तुझे तो की टोपी पहना देते ताकि तू सर्दी तुझे वापस न लगे हाँ ऐसे सर्दी वापस न लगे देखो जी अब घर ठंडियों में बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल सही का अच्छी बात नहीं है ठंडी गर्मी मतलब ठंडियों में नहीं सर्दी लग जाती है ना और मुंह से जो की नोजी निकलने लगती है नाक से हाँ नोजी निकलने लगती है इसलिए ऐसे जो की गरम गरम कपड़े पहना करो सर्दी लगती है बारिश पड़ती है तुम्हें समझ में नहीं आती मम्मी ने बोला जो कि घर पे बैठ जाओ तो बाहर क्यों निकलते हो ये लो अब तुम जो कि पानी पी लो थोड़ा सा है और उसके बाद अपनी नाक साफ करो पहले आलू मुट्ठी बालू बहुत ज्यादा इसके तो नोजी निकल गई नाक में से ओके तुम्हारा फीवर चेक करते तुम बीमार हो गए ठीक हो ओके वेल डन ताली होनी चाहिए ये दोस्तों एकदम मस्त ठीक हो चुका है अब बाहर मत निकलना सर्दियों में ठीक है चलो जाओ जाओ आली मिट्टी भली अब कौन सा कस्टमर आता है अरे दोस्तों इसकी हड्डियां टूट गई है मेरे ख्याल से स्पाइडर की और स्पाइडर क्या हुआ हुरी बाबा मेरे 20 साल के तजुर्बे से पहली बार हुआ मैं तो स्पाइडरमैन बनके आराम से लटक रहा था और गाना गा रहा था स्पाइडरमैन फिर मैं नीचे गिर गया टूट गया मेरा मकड़ी का जाला मैं हो गया बेहाला अरे बेचारे की तो हड्डी पट्टी टूट गई हाथ पैर सब लंग रहे लूले हो गया और इसको ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले स्कैन करते हैं और इसकी तो अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं अभी ठीक कर देते रे पापा बुलबुले सुपर ठीक कर देंगे रे पापा ये देखो बुलबुले मस्त ठीक करेंगे अरे इसकी हड्डी क्यों नहीं जुड़ रही अरे जुड़ जाता अरे तुम पागल हो ना इसलिए नहीं जुड़ अरे बोलू तो जोड़ेगा हड्डी इसकी ये लो जुड़ गई ना हड्डी जोड़ने नहीं आती पागल हो तुम्हें अब देखता है इसको पट्टी लगा देते हैं ज्यादा उछलो मत स्पाइडर और ज्यादा स्पाइडरमैन बनने की जरूरत नहीं है है ना और बनो स्पाइडरमैन बहुत चर्बी है ना स्पाइडरमैन बनने की हाँ स्पाइडरमैन अब दोबारा से बनने की कोशिश मत करना वरना सारी हड्डियां पसली टूट जाएंगी अरे क्या अब क्या करना है अरे लगता है इसे ये दवा पिला देते हैं ताकि ये बीमार थोड़ा सा था ना तो ठीक हो जाए है ना लिमिटेड वाली पिला दो दवा पिला दो ये लो पिला दवा पिला दो अब इसको मक्खी खिला देते हैं ये लो मक्खी खा लो तुम नो फिकर नो प्यार ला ये ठीक हो गया एकदम हाँ तो अंकल जी अब दोबारा जरूर आइएगा अरे यहाँ पे कौन है उल्लू है यह तो नो फिकर नो प्यार ये उल्लू क्यों यहाँ पे आ चुका है अरे क्या हुआ आंटी जी आपको बताइए
अरे यार मैं तो मस्त साफ कर रही थी ऊपर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के, लेकिन मेरी कमर टूट गई। हाय इसकी तो उल्लू की कमर टूट गई। उल्लू आंटी आपकी कमर है जो कि मौसी जी अभी ठीक कर देते हैं। रुको जी आप सबसे पहले। अरे क्या करे क्या करे, देखो मौसी आप जो कि ज्यादा साफ करने के लिए ऊपर मत चढ़िया करे, वरना कमर बमर आपकी टूट जाएगी। समझ में नहीं आता, देखो कितनी हड्डियां टूट गई आपकी। समझ में नहीं आता आपको साफ सफाई करने के लिए बेचारे किसी गरीब को जो कि बुला के जो कि उससे दो चार पैसे दे के साफ नहीं करवा सकती। कंजूस कहीं की मक्खी जूस। अरे पागलो ऐसी थोड़ी ना बात करते हैं। ए आलू मटे भालू मैं तो बस समझा रहा था। हाँ देखो मौसी आप समझ गई ना। अरे अरे मैं समझ गई, दोबारा नहीं करूंगी। तो ठीक है ठीक है, पट्टी लगा देते। अब देखो मौसी मुंह खोलो मुंह खोलो, मुंह के अंदर दवा दे दो, दवा ये लो, ये हमारी बाबा पतंजलि की दवा है, इसे पीने के बाद आंटी जी आपको एकदम तंदुरुस्त ताजा गिरी ये एनर्जेटिक फील होगा। अच्छी लगी ना दवा, मिठी थी एकदम रसगुल्ले जैसी। अरे पगलो कैसी दवाई ला पिला देते हो रसगुल्ले जैसी। अब नेक्स्ट कौन सा है? हे आलू मटे वाली ये चूहे जैसे दिखने वाला। अरे ये तो हमारा दोस्त है लेमिंग्स। ए आली मटे बालू इसको तो बहुत ज्यादा इसकी स्किन बहुत ज्यादा लाल लाल हो चुकी है, लेकिन कैसे हो गई? पता नहीं कैसे हो गई। अरे ये तो सूरज के अंदर धूप सेक रहा था। अरे ये देखो धूप सेक रहा था। अले 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 मैं धूप सेक रहा था, अले बाबी मैं तो धूप सेक रहा था, लेकिन तब से गलब गलब हो गया, मेरी स्किन पूरी लाल हो गई। मम्मी मुझे बहुत ज्यादा दर्द तला है। अरे पागल धूप ऐसे नहीं सेका करते है। ए आना ऐसे धूप सेकना अच्छी बात नहीं है, पहले तुम जो की स्किन क्रीम लगा दो। हाँ ये देखो ये है फेयर लवली स्किन क्रीम, इसे लगाने के बाद तुम एकदम जो की दूध से भी सफेद हो जाओगे, है ना आलू मटे बालू? बिल्कुल सही कहा, दूध से भी गोरे हो जाओगे। ये लो अब तुम्हें जो कि सनग्लास लगा देता हूँ, क्योंकि तुम जो कि ये सनग्लास लगाओगे ना तो एकदम एकदम बाप कमाल के लग रहे हो। हाँ एकदम छपड़ी एकदम मस्त लग रहे हो सलमान खान की तरह। अभी तुम्हारी तबीयत देख लेते हैं, एकदम सही है तुम, एकदम फिट एंड फाइन हो, फिट फाइन। नाक में से घी निकाल दो। हाँ नाक में से घी निकाल दो। देखो अब जो कि दुआड़ धूप में मत सेके हो, समझे? पानी वानी पीना है क्या? ये लो। नहीं क्रीम व्रीम नहीं लगाना तो क्या करना है, चलाओ यहाँ से। बैठे क्यों हो? ए हनालो मटे भली दिमाग खराब कर देते ये लोग। अरे अब हमें किसे इसे चो की चोइस कर लेते, ये काटो वाला कीड़ा है ना। अरे क्या हुआ गोली बेटा? अरे अरे अरे, अरे बेचारे के अंदर जुए एक फंस गई। अरे जुए कैसे फंस गई? ऊपर चलो, इसका नाम है गोली। गोली की मम्मी ने बोला नहालो, नहाने नहीं गया, गोली भाग गया। ऊपर चलो इसलिए गंदा हो गया और इसके अंदर आ रही है बासी चूहे मरेली जैसी बदबू। ऊपर चलो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है इसके अंदर से, जुए पड़ गई है जुए। अरे इसकी जुए अब भी निकालता हूँ। देखो जो गोली बेटा मस्ती नहीं। हाँ अगर मम्मी बोले नहा लेना चाहिए तो नहा लेना चाहिए, लक्स साबुन से नहा नहा के या फिर डेटोल साबुन से नहा लेना चाहिए। और नहीं तो क्या नहा नहा के मजा जुकी करो। है ना नहाना अच्छी बात होती है, रोज ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और अगर ठंडा पानी ना पसंद आए तो रोज गरम गरम पानी से भी नहाना चाहिए। है उससे जुकी हाथ पैर नहीं दर्द होते। हाँ अब तुम जाओ बेटा नहा के आना। शैम्पू हमने बाबा पतंजलि का लगा दिया, उसको उसको जुए नहीं पड़ेंगी। तेल भी लगा दिया हमने, जुए ना पड़े उसकी। और ये कौन आ गया? इसका तो पंख ही कट गया रे बाबा। अरे ये तो हवा में उड़ रही थी मस्त पावर दिखा के अपना, लेकिन देखो जी आंटी जी आप जो की ऐसा मत कीजिए, आप अपना घमंड जो की दिखा रही थी मस्त हवा में उड़ रही थी। हाँ लेकिन आप जो की होश में, बिना होश के कभी चलना नहीं चाहिए आंटी जी, आपको होश रख के चलना चाहिए ना। कोई बात नहीं आपके पंख आपके सिला देते हैं, बुलबुले सुपर सिल देंगे। ये लो सिल दिए। ये अभी मत उड़ाइए बहुत ज्यादा, आप हवा में उड़ रही थी आपको नीचे ही नहीं दिख रहा है ये जो कि अभी क्या करना है अब। अरे पता नहीं एप्पल खिला देते। ये देखो अब आंटी जी आपका पंख हमने सिल दिया है, अब थोड़े दिन में ठीक हो जाओगी। हाँ ए है ना तो ओके, तो अब हमारा बस लास्ट जो कि पेशेंट बचा है उसको हम लोग ठीक कर देते। कौन बचा है लास्ट में? अरे खरबोस। अरे इसको तो हाथ में कातर लग गई थी जब वो फूल काट रहा था, पता है? अरे हाँ ये रहा खरबोस,
ऊपर चलो। तो ये खरगोश काट रहा था फूल, फूल में हो गया इसके हाथ में झूल, ऊपर चलो हाथ में लग गई कातर। आइस नाइस नॉट नाइस। देखो जी कातर एकदम अच्छी लेनी चाहिए, अच्छी कंपनी की, तो ये कटता नहीं है हाथ। कोई बात नहीं, हम आपका हाथ में अभी ये ठीक कर देते हैं। मोटे भालू ठीक करो इसको। अरे ये लो ठीक कर दी, बैंडेज लगा दी, वेल डन, एकदम ठीक हो गए तुम। ए है ना, अब तो ये लो गाजर खा लो गाजर। हाँ इसको गाजर खिला देते, ये लो गाजर खाने बैठा है ना तू, ये लो लालियो गाजर खा लो। अरे ये भी ठीक हो गया, हमने सबको ठीक कर दिया, बोलू तो डॉक्टर ने सबको ठीक कर दिया। हमने सारे जानवरों को ठीक कर दिया, रे बैल बैल से ऊपर नहीं कर दिया। दोस्तों इसी बात पे ठोको लाइक का बटन और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऊपर चलो सब हो गए खुश, हम भी खुश, ऊपर चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।